हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। जीआरपी के अंतरप्रांतीय बैठक हुई संपन्न। एडीजी रेलवे ने कहा अपराधियों के घरों तक धमकेगी जीआरपी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई अवस्थापना निधि की बैठक। नगरीय अवस्थापना निधि से 12 करोड़ तथा 14वें वित्त आयोग की निधि से 18 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के बारे में बनी सहमति। नगर आयुक्त ने दिखाया तेवर। चेतावनी के बाद ही पॉलिथीन बेच रहे थोक विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए काटा चालान। प्रधान से अमर्यादित भाषण में बात करने वाले मुख्य आरक्षी को एसएसपी ने किया निलंबित। सहजना पुलिस ने पकड़ा 20 लाख का अवैध अंग्रेजी शराब। एसएसपी ने कहा पटियाला से हल्दिया ले जा रहे थे बेचने शराब। दो अभियुक्त गिरफ्तार। अंतर जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। देवरिया की टीम बनी ऑल ओवर चैंपियन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधु की बैठक। उद्यमियों की समस्याओं को गुणवत्तायुक्त निस्तारण के दिए निर्देश। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बांसपुर समुदाय के लगभग 110 बच्चों को बांटा निःशुल्क पठन पाठन सामग्री। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में खुला जन सुनवाई केंद्र। प्रभारी ने कहा लोगों के समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण। लेखपाल संघ का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। जिला मंत्री ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। वन महोत्सव कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह ने वृक्ष लगाकर लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का किया अपील। जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित वित्त विहीन कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सपाइयों ने समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी का किया जोरदार स्वागत। सक्रियता के आधार पर लोहिया वाहिनी यूथ ब्रिगेड समाजवादी छात्र सभा और यूजन सभा के पदाधिकारियों में किया गया परिवर्तन। JEE-AS के बचाव के लिए निकाली गई जन जागरूकता मोटरसाइकिल रैली। लोगों को इंसेफ्लाइटिस से बचाव की दी गई जानकारियां। गोरखपुर इनहरवेल क्लब के 50वें स्वर्ण जयंती के अवसर पर क्लब के नए पदाधिकारियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। ATM द्वारा जालसाजी सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय नाई महासभा ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया की टीम ने जिला महिला अस्पताल में प्रसूताओं द्वारा नवजात शिशुओं के स्तनपान का जाना हाल। और प्रेरक संघ का निश्चितकालीन धरना 18वें दिन भी रहा जारी। मानदेय के विरोध में अदालत लगाकर किया विरोध प्रदर्शन।